अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अंबर। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बकरा ईद मुबारक हो। आज तीसरे दिन ईद के हमारे मटन के पाए बन रहे हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करूं। एक डेगची में मैंने 8 पाए ले लिए हैं और उसके अंदर एक टुकड़ा अदरक का, 10 से 12 दाने लहसुन के जवे के डालें और 1 से 1.5 जग मैंने उसमें पानी डाला है और 2 चमचे मैंने नमक डाल के उसको पकाने के लिए रख दिया है। माशाल्लाह देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब हम हल्की आंच में इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसकी बेहतरीन सी यखनी बन जाए। माशाल्लाह देखें पाए, मटन के पाए बेहतरीन से तैयार हो गए, यखनी भी तैयार हो गई और पाए बिल्कुल गल गए। अब हम पाए को अलहदा कर देंगे और यखनी को अलहदा कर देंगे। बोंग भी माशाल्लाह से गल गई है, इसको भी बोंग को भी अलहदा कर देंगे और यही यखनी हम पाए की यखनी में मिला देंगे। मटन पाए की यखनी तो बेहतरीन से तैयार हो गई है। अब उसका शोरबा बनाने के लिए जो मसाले हमें चाहिए, 2 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, 1/2 चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्च ली है, 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 टुकड़ा अदरक का लेकर आप उसको बारीक काट लें, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद ली हैं, हल्दी मैंने 1 चम्मच लिया है, 4 अदद मैंने प्याज लिए उसको ग्लेंडर कर लिए मीडियम साइज़ की, और 1 प्याली मैंने सरसों का ऑयल लिया है। सरसों के ऑयल में बहुत मज़ेदार पाए बनते हैं। और 1/2 प्याली मैंने दही लिया है और 3 चमचे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। एक डेगची में मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया था, वो अच्छी तरह गर्म हो गया। इसके अंदर हम अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन को 1 से 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे अच्छी तरह। अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। और ये मटन के पाए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। बकरा ईद में सब्जियाँ बनते हैं, आप मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। हम प्याज को भूनेंगे जब तक ये पिंक कलर की नहीं हो जाए, फिर इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। 1 से 2 मिनट में ये प्याज हमारी भुन जाएगी। माशाल्लाह देखिए प्याज हमारी अच्छी तरह भुन गई है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इसमें मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो डालूंगी मैं, और ये मसालों के साथ और अच्छी तरह भुन जाएगी, मसाले भी अच्छी तरह के साथ भुन जाएंगे। मसाला जो आप अच्छी तरह भूनिएगा, क्योंकि मसाला अच्छा भुनेगा तो मटन के पाए बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। पाँच मिनट में हमें मसाले अच्छी तरह प्याज के साथ भुन जाएंगे। ये मसाला भी बहुत अच्छी तरह भुन गया है और ऑयल ऊपर आ गया है। इसके अंदर हम दही डालेंगे, दही को आप अच्छी तरह फेंट लिएगा। दही को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करें, पानी छोड़ेगा तो हमारा मसाला और अच्छी तरह भुनेगा। पाए में मसाला बहुत अच्छी तरह भूनना चाहिए ताकि मसालों का टेस्ट और प्याज का सब भून जाए और पाए में मज़ा आए खाने में भी। अभी इसको 1 से 2 मिनट लगेंगे,
इस पोजीशन में हम हरी मिर्ची डालेंगे और अदरक डालेंगे। आधी हरी मिर्ची मैं अभी डालूंगी और आधी लास्ट में जब यखनी डल जाएगी और पाए डल जाएंगे जब, और आधी अदरक मैं अभी डालूंगी, आधी बाद में डालूंगी ताकि अदरक और हरी मिर्चों का टेस्ट मसाले में अच्छी तरह हो जाए। अभी इन्हें मिक्स करेंगे हम। ये 1 से 2 मिनट में हमारा मसाला बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा मटन पाए का। जब इसमें ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ जाएगा तो समझे मसाला भून गया। माशाल्लाह देखें बेहतरीन सा हमारा मसाला भून गया और ऑयल भी ऊपर आ गया। अब इसके अंदर हम बोंग डालेंगे। बोंग को मसाले के साथ 5 मिनट के लिए हम भूनेंगे ताकि मसाला जो है वो बोंग के अंदर अच्छी तरह जब हो जाए। 5 मिनट के लिए आप भूनिएगा इसको। पाँच मिनट हो गए, बोंग भी हमारी मसाले के साथ अच्छी तरह भून गई है। अब इसके अंदर हम यखनी डालेंगे। अब यखनी में एक उबाल आ जाएगा तो फिर हम लास्ट में इसमें पाए डालेंगे, क्योंकि मटन के पाए हैं वो ज़्यादा गल जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हम लास्ट में पाए डालेंगे जब इसमें उबाल आ जाएगा। माशाल्लाह देखें इसमें उबाल आ गया है। अब इसके अंदर हम पाए डालेंगे। अब इसको 1 से 2 मिनट आप पाए के साथ मसाले को थोड़ा मिक्स हो जाएगा, 1 से 2 मिनट पकाएं। इसको 1-2 मिनट आप पाए के साथ पकाएं, फिर हम डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह बकरा ईद स्पेशल में मटन पाए तैयार है, आपको बहुत पसंद आएंगे और टेस्टी बहुत होंगे। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।